प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज गोवा च भारत ऊर्जा हफ्ता 2024 का किया उद्घाटन। ऊर्जा के खेत्र च भारत के सतह थमां मते निवेश पर भरिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें लोकसभा च आख्या आंदे लोकसभा चुनाव च एनडीए 400 का आंकड़ा करोग पार, बीजेपी आपू 370 सीटा करोग हासिल। जम्मू कश्मीर मकामी निकाय कानून संशोधन बिल 2024 हुआ लोकसभा च पास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें जम्मू कश्मीर अंतरिम बजट 2024-25 की कीती सराहना। इसदे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन हुंदा जताया आभार। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। एहियां मुख्य खबरां ते हुण खबरां विस्तार कन्ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज बडले गोवा च भारत ऊर्जा हफ्ता 2024 का उद्घाटन किया, जिसे ऊर्जा क्षेत्र च अगे बधने के लिए भारत के पक्के इरादे वाली पेठा महत्वपूर्ण संघ मील दसिया जा करता है। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री होरें जोर देकर आख्या जे भारत ऊर्जा के खेत्र च सदा थमां के मता निवेश करता रहा है। उन्हें आख्या जे भारत ऊर्जा च इन्ना पैसा ला करता है जिन्ना पहले कदे नहीं लाया गया, तां जे इस गल की यकीनी बनाया जा सके जे सारे देश च सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो सके। मोदी होरें भारत के मते घट छड़े 4% दर आले कार्बन उत्सर्जन की भी एक बड़ी कामयाबी करार दिता। उन्हें आख्या जे दुनिया के सबने शा मती आबादी वाला देश होने के बावजूद इन्नी थोड़ी कार्बन उत्सर्जन दर बनाई रखना टकोदी कामयाबी है। भारत ऊर्जा हफ्ता 2024 च 100 देशों थमां 400 वक्ता 4000 शा मते डेलीगेट ते 35000 शा मते होर दुए लोकें दे हिस्सा लैने कन्ने इह देश दी प्रमुख ऊर्जा नमैश ते सम्मेलन बनी जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे देश दी जनता आउंदे आम चुनावें च बीजेपी की भारी बहुमत देग। उन्हें आख्या जे एनडीए 400 आंकड़ा पार करी जाग ते बीजेपी की आपू 370 सीटां हासिल होंगन। उन्हें जोर पर यह आख्या जे उनकी सरकार त्रीए कार्यकाल के दौरान बड़े फैसले लेग। प्रधानमंत्री होरें जोर पर यह आख्या जे एनडीए सरकार के त्रीए कार्यकाल दौरान भारत दुनिया की त्री सारे शा बड़ी अर्थव्यवस्था बनी जाग। उन्हें आख्या जे नरेंद्र मोदी उनकी गारंटी है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके अभिभाषण उपर दोनों सदन के सांझे इजलास दौरान लोकसभा च धन्यवाद प्रस्ताव उपर बहस का परता दया करते हैं। आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें आख्या जे भारत होर निदेशक कन्ने मित्री आले संबंध चाहता है, पर इहदे लई भारत अपनी विदेश ते सुरक्षा नीतियां कन्ने समझौता नहीं करोग। उन्हें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगवाई च पिछले 10 वर्ष दौरान देशक मजबूत अंदरूनी सुरक्षा ढांचा बनने च कामयाब रहा है। उन्हें आख्या जे आजादी के मगरा पहली बारी यह कामयाब कोशिश की गई है जे अंदरूनी सुरक्षा की बदलने की नीति मुताबिक यकीनी बनाया जा सके। गृहमंत्री और कल नवी दिल्ली च कल्ले थमां अगे भारत का मजबूत भविष्य बनाना विषय पर भाषण दिया करते हैं। इस मौके पर उन्हें ओआरएफ विदेश नीति सर्वेक्षण 2023 की भी जारी किया। गृहमंत्री और आख्या जे सारी दुनिया भारत की कामयाबी की गल करा करती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भारत की पछाण कई चुनौतियां जिया कि आतंकवाद, जलवायु बदलाव, सौर गठबंधन ते त्री अन्न की पहलकदमी का हल देने वाले मुल्खां दे तौर पर बनाया है। उन्हें आख्या जे श्री मोदी दुनिया च सारे शा मते पसंद किए जाने वाले राष्ट्र नेता ते सरकार प्रमुख ते उन भारत के विश्व मित्र के तौर पर मनिया जा करदा है। और पॉलिसी चेंजेस के आधार पर इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का भी ये 10 साल में शायद आजादी के बाद पहला सफल प्रयास हुआ है। मित्रों, इस 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक स्ट्रांग इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने में सफल रहा है। सरकार ने महिलाएं के कल्याण ते उनकी अगुवाई च विकास उपर केंद्रित करते हुए पिछले 10 बरे च कई गैं पुटियां।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज नवी दिल्ली च मीडिया के संबोधित करते हुए आख्या जे भारतीय महिलाएं हिस्सेदारी वाली भूमिका थमां बाहर निकली है, हुण अगवाई वाली बत्त पकड़ी ली है। उन्हें आख्या जे आदित्य मिशन की अगवाई भी एक महिला के करा करती है, जिहड़ी महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। डॉक्टर सिंह होरें आख्या जे पिछले 10 वर्षे च महिलाएं उपर केंद्रित कई फैसले ते प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जिंदा हर वर्ग की महिला की फायदा हासिल हुआ है। देश राष्ट्र का विकास है। यदि आज हम महिलाओं की बात करें तो आपके ध्यान में होगा कि गत 10 वर्षों में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद एक के बाद एक। जम्मू कश्मीर मकामी निकाय संबंधी कानून च संशोधन बिल 2024 ते चर्चा ते पारित करने लिए आज लोकसभा च पेश किया गया, जिसे कि पारित कर दिया गया। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून 1999, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 ते जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 च बदलाव का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक का मकसद पंचायतें नगरपालिकाएं च होरने पिछड़े तबके के लोगों की आरक्षण देने ते कानून के प्रावधानों कन्ने केंद्र शासित प्रदेश च मकामी निकाय के कानूनों च निरंतरता आनना है। यह बिल पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर च धारा 370 ढाए जाने के मगरा तरक्की वादे की बत्ता उपर अगे बधा करता है। इस विधेयक कन्ने होरने पिछड़े तबके के लोगों की मकामी निकाय च आरक्षण हासिल हो जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें 2024 पंची लई जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट की सिफत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार प्रकट किया है। एक ट्वीट च उन्हें आख्या जे बजट करसाने महिलाएं नौजवानों ते समाज के आशिया पर खड़ोते के तबके की समर्पित है, जड़ा कि जम्मू कश्मीर च हेठली सतह पर लोकतंत्र की ओर निगाह बना करता है। उन्हें आख्या 2024-2025 इस बजट कन्ने निवेश लई साजगार माहौल तैयार करने ते उद्योगिक तरक्की की बढ़ावा देने के मौके भी पैदा होंगे। उन्हें आख्या जे इस बजट कन्ने उद्योगिक खेतर च रोजगार च वाधा होगा ते कन्ने के ताले गए खेतर च निवेश लई जरूरी मदद भी दी जा सकेगी, जिसके कन्ने यूटी च स्टार्टअप सरिस्ते की भी बढ़ावा होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें कठुआ के बिलावर इलाके च दुरंग ग्रां च अटोमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड परिसर का उद्घाटन किया। इस बारे ट्विटर राय जानकारी देते हुए उन्हें लिखा जे अटोमिक नॉर्थ भारत कनेडा अमरीका यूके च सूचना प्रौद्योगिकी सेवा देने च सारे शागे है ते जम्मू कश्मीर के ग्राएं थारे इनके कमे के विस्तार करने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगे ले जाने ते इहदे च नवीं जान पाने वाली पिट्ठा सरकार की वचनबद्धता का पता लगता है। इस पेठा पहले चरण च अटोमिक नॉर्थ 100 एग्जीक्यूटिव्स करने बीपीओ का काम शुरू करोगे, जिद च 90% थमां मते मकामी नौजवान होंगन। इहदे मगरा अगले मरहले च यह डाटा सेंटर नेटवर्क कार्रवाई केंद्र ते सुरक्षा कार्रवाई केंद्र तैयार करोगे, जिद कन्ने ना छड़ा कोई 1500 नौजवान की रोजगार थोग सगुआ मकामी अर्थव्यवस्था भी अगे वधोग। उपराज्यपाल होरें आख्या जे उन्हें अटोमिक नॉर्थ की सलाह दी है जो बिलावर ते आले दुआले के इलाके के नौजवान की हुनरमंद बनाने ता जे इन्हें कमे वास्ते उन्हें की लाया जा सके। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जो प्रस्ताव मिले हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को वो सही मायने में धरती पर उतरे ताकि इकॉनमी भी बढ़े और रोजगार के अवसर। सार्वजनिक इम्तिहान च अनुचित तौर तरीके की रोकथाम संबंधी बिल 2024 उपर चर्चा ते इसे पारित करने लई अज लोकसभा च पेश किया गया। इस बिल का मकसद सार्वजनिक इम्तिहान च नजायज तौर तरीके पर पूरी जारी रोक लाना है। इस बिल उपर बोलते हुए कार्मिक महकमे के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे इस बिल का मकसद इम्तिहान सरिस्ते च और मती पारदर्शिता जवाबदेही निरपक्षता आनना ते सबने उम्मीदवारों लई इक बराबर मौके हासिल करवाना है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी एक सुखद अनुभव हो रहा है और ये एक सुखद संयोग भी है कि हम हाल ही में जब इस नए सदन में आए तो इस भव्य भवन में शिफ्ट होने के उपरांत आपकी अध्यक्षता में से पहला विधेयक सरकार की ओर से सदन में लाया गया था, वो भारत की नारी शक्ति और भारत के नारी सामर्थ्य को समर्पित था।
जम्मू कश्मीर के स्टेट जनरल सैक्टरी अशोक कोल होर दुए प्रशासनिक अधिकारियों सने जोश से धार्मिक भावना कने अज जम्मू थमां अयोध्या आस्था विशेष रेलगड्डी की झंडी दसिए रवाना किया। इस रेलगड्डी च अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुए मौके पर उपलब्ध कराने लिए जिले थमां खुशी आभार प्रकट किया। उन्हें राष्ट्र की राम मंदिर का तोहफा देने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका शुक्रिया किया ते आख्या जे इस मौके पर वो अपने आप की बड़ा के भाग्यशाली समझा करते हैं। देखिए ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज आस्था ट्रेन यहाँ से चली है और राम भक्त और हमारे कार सेवक आज यहाँ से भगवान राम लला जो नए अपने भवन में विराजमान हुए हैं उनके दर्शनों के लिए यहाँ से गए हैं। श्रद्धालुओं को इस आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या की ओर ले जाया जा रहा है। इस ट्रेन में हर तरीके की सुख सुविधाएं दी गई हैं। आल दे दिनें च बरखा ते बर्फबारी करने पस्सियां ते कुप्पड़ पौने कारण कई थारे खराब हो चुके दे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क की मरम्मत का काम रामबन च नाचरी दे कोल तलवास ते बनिहाल च किश्तवाड़ी पत्थर थार शुरू कर दिता गया है। चलते अज बड़ले 8 बजे थमां अगले 24 घंटे लई गड्डियां दी आवाजाई स्थगित रखी गई है। इस बारे जानकारी साझा करते हुए SSP ट्रैफिक रोहित बसोत्रा होरें आख्या जे किश्तवाड़ पत्थरी ते दलवास थार जरनैली सड़क की चौड़ा किए जाने के कामों के चलते अज थमां अगले 24 घंटे लई यातायात स्थगित रोक। SSP होरें आख्या जे लोगों की सुरक्षा के ध्यान च रख हुए नाशरी ते नवयुग बिशकार अज बड़ले 8 बजे थमां कल 8 बजे तोड़ी गड्डियां दी आवाजाई की स्थगित रखा गया है। किश्तवाड़ जिले च हुई दी पहली बर्फबारी ने इस इलाके की बड़े के हैरान कुन तौर उपर शैल सनाकड़ा बनाई दिता है। इस मौके पर जिला प्रशासन ने सैलसफा निर्देशालय ते जम्मू कश्मीर कल्चर अकैडमी के सहयोग करने स्नो मेले का आयोजन किया। किश्तवाड़ की चौगान ग्राउंड चलवाए गए इस मेले च तकरीबन 4000 लोगों ते सैलानी हिस्सा लिया। मुकामी कलाकारें ते संगीतकारें नाच रिवायती कलाएं ते संगीत कन्ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। किश्तवाड़ के DC डॉक्टर देवांश यादव होर इस मेले के आयोजन उपर संतोख प्रकट किया ते आपसी मेल जोड़ की बढ़ावा देने लई नए कार्यक्रमें का आयोजन करने पर भी जोर भरिया। संस्कृति महकमे के प्रधान सचिव सुरेश कुमार गुप्ता होरें सिविल सचिवालय च अज एक बैठक लवाई है। पुस्तकालय ते शोध महकमे के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक दौरान श्री रणबीर लाइब्रेरी जम्मू ते श्री प्रताप सिंह लाइब्रेरी श्रीनगर के इतिहासिक महत्व पर जोर भरया गया। यह लाइब्रेरियां देश च मौजूद सबने शा पुरानियां लाइब्रेरियां च शामिल न। इस मौके पर दसया गया जे महकमे आसिया जिन्हें लाइब्रेरियों पर ध्यान दिता जा करता है उनके च कुल 131 लाइब्रेरियों शा 27 मौजूदा इमारतें च न जिले की 85 किराए पर इमारतें च न 19 किराया बिजन इमारतें च मौजूद हैं ते 7 लई महकमे आसिया ढांचागत सुविधा तैयार कीतियां जा करदियां। इहदे अलावा उन्हें दस्या जिन्ने लाइब्रेरियों च महकमे ने 4 लख किताबां ते 5,580 पांडुलिपियां सांभिए रखी दियां तां जे पढ़ने दे शौकीन इन्ने संसाधनें दा फायदा हासिल करी सकन। सैलसफा विभाग की कमिश्नर सैकटरी यशा मुदगल होरें स्वदेश दर्शन प्रधानमंत्री विकास पैकेज ते यूटी के कपैक्स बजट से रही परियोजनाएं की अमलावरी की समीक्षा वास्ते एक मीटिंग की प्रधानता की। मीटिंग च स्वदेश दर्शन स्कीम तहत विकास प्रोजेक्टें की पहल के बिना पर मुकम्मल करने परमंडल उत्तर बैनी प्रोजेक्ट की स्थिति ते और दुए मामले सने कई मुद्दे पर चर्चा की। कमिश्नर सैकटरी होरें सबने संबंधित अधिकारियों की इन्हें प्रोजेक्टें की मिथे गए समय अंदर के सबूरा करने लिए आख्या। उन्हें विभाग के अध्यक्षें ते कार्यकारी एजेंसियों की सबने प्रोजेक्टें की ब्यौरेवार जमीनी ते माली उपलब्धियों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत जारी की। खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें आज नवी दिल्ली च पहली बिमस्टेक पानी वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता च 7 बिमस्टेक मेंबर मुल्क हिस्सा लै करते हैं। इस मौके पर ठाकुर होरें आख्या जे खेड स्पर्धा देशों वास्ते सांझी खुशहाली निरपक्षता एक दूए प्रति आदर मान लिए टकोदा मंच उपलब्ध कराती है। मंत्री होरें हिस्सा लेने वाले सबने के आख्या जे वह अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करने के कन्नों कन्ने एक दूए के देशों की संस्कृति कन्ने भी जुड़न। कृषि विज्ञान केंद्र शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान ते टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जम्मू आसिया स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी उनकी दिखरेख च ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम हुंदे कन्ने RSपुरा च कल गलबात एक बैठक लवाई गई। डॉक्टर गौतम और कल स्कॉस्ट जम्मू के दौरे पर है अपने संबोधन उन्हें किसानों के विकास लिए ICAR की लगातार मदद से समर्थन का भरोसा दवाया। उन्हें इस मौके पर केंद्र सरकार आसिया चलाई जाकर दी बख-बख स्कीमें बारे किसानों से जागरूकता बधाने पर जोर पाया ताकि इनका पूरा फायदा हासिल करी सकन। मुख्य परौने ने प्रमुख हस्तियों कन्ने उत्थे बूटे भी लाए। इसके अलावा इस मौके पर FPO बासपति FPO मशरूम देसी तरीके कन्ने सब्जियां राने वाले किसाने ते IFFCO जम्मू आसिया एक नुमाइश भी लवाई गई। इसके कन्ने के डोगरी खबरें का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।